आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। हाजिर बाजार हो या फिर वायदा बाजार, दोनों ही बाजारों में सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेजी के बाद अब गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। जब से ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दी है, किसानों में डर का माहौल बन गया है कि कहीं लॉकडाउन वाली स्थिति ना बन जाए। इसलिए किसानों ने अपनी स्टॉक की हुई सोयाबीन की बिकवाली करी है। मंडियों में एकदम से सोयाबीन की आवक के बढ़ने से इसकी कीमतों पर दबाव बनता दिखाई दिया है, जिससे इसकी कीमतों में गिरावट बनी है। किसानों में इस बात को भी लेकर चिंता का माहौल है कि कहीं सरकार सोया खली का आयात ना कर दे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार सोया खली का आयात नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले पोल्ट्री के कहने पर जब सरकार ने इसका आयात किया था तो किसानों को काफ़ी आर्थिक चोट भी पहुंची थी। वहीं साउथ अमेरिका में अच्छी बारिश के चलते सोयाबीन का उत्पादन अच्छा रह सकता है, जो वैश्विक सोयाबीन की सप्लाई में कुछ मददगार साबित हो सकता है और इससे अमेरिका के सोयाबीन के निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन नोपा यानी कि नेशनल ऑयल सीड प्रोसेसर्स एसोसिएशन का कहना है कि नवंबर में सोयाबीन की पेराई में अक्टूबर महीने के मुकाबले कमी देखने को मिली है। नवंबर में सोयाबीन की पेराई 179.46 मिलियन बुशल्स देखने को मिली चुकी है, जो अक्टूबर के मुकाबले लगभग 2.5% कम है। इसका असर सोयाबीन के बाजार में सकारात्मक देखने को मिल सकता है। वहीं जानकारों का अभी भी यही मानना है कि वायदा बाजार में सोयाबीन की कीमतों में अभी भी कुछ तेजी बनने के आसार हैं। हालांकि अभी सोयाबीन वायदा में 6000 से लेकर 6800 के एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन जानकारों के अनुसार जनवरी 2022 में सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा उछाल आ सकता है और कीमतें 7000 तक जाती नजर आ सकती हैं। वहीं हाजिर में जिन किसानों ने सोयाबीन अभी स्टॉक किया हुआ है, उन्हें नए साल पर सोयाबीन खुशखबरी देती नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।